जब आफ्टर रिएक्शन जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसमें से एक प्रोडक्ट जो होता है वो इंसोलेबल होता है, वो घुलता नहीं है, उसको आफ्टर एक्टिविटी हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं, फिल्टर पेपर से हम सेपरेट कर लेते हैं, यानी इंसोलेबल सब्सटेंस को प्रीसिपिटेशन बोला जाता है। इंसोलेबल सब्सटेंस इज नोन एज प्रीसिपिटेशन, किसी को बोलते हैं प्रीसिपिटेशन। प्रीसिपिटेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं पीपीटी। पीपीटी यानी डाउनवर्ड एरो, डाउनवर्ड एरो से इसको हम इंडिकेट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन का ये हुआ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम देखेंगे वन बाई वन इसका एक्सप्लेन। चेंज इन स्टेट, स्टेट में चेंज, जब स्टेट में चेंज हो तब हम समझते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे Mg प्लस O2 MgO, यहाँ Mg जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है रिएक्शन के पहले, रिएक्शन के बाद इसका व्हाइट पाउडर मिलता है। ये कैसे मिलता है हमको, व्हाइट पाउडर, यानी यहाँ क्या हो रहा है, इसका स्टेट चेंज हो रहा है, अवस्था इसका चेंज हो रहा है, यानी किसका इंडिकेट कर रहा है, चेंज इन स्टेट, यानी केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट। स्टेट में जब चेंज होता है तब हम समझते हैं क्या इंडिकेट कर रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड को LHS साइड को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, RHS साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। नंबर टू, चेंज इन कलर, जब कलर में चेंज हो, चेंज इन कलर, जब कलर में चेंज हो तब भी हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अब कलर में चेंज कैसे होता है, जब हम लीड नाइट्रेट को, लीड नाइट्रेट को पोटासियम आयोडाइड से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, लीड आयोडाइड प्लस पोटासियम नाइट्रेट, इसको डाउनवर्ड एरो से इंडिकेट करते हैं, येलो कलर का पीपीटी मिलता है, येलो कलर का ये प्रीसिपेट मिलता है हमको रिएक्शन में, और कलर क्या हो गया है इसको, इसका येलो, ये कलरलेस होता है, यानी दो कलरलेस जब मिलता है कंपाउंड तो क्या बना, येलो कलर का हमको कंपाउंड मिला, यानी चेंज इन कलर, जब कलर में चेंज हो तो कलर में चेंज क्या इंडिकेट करता है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ओके,